नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों हम करेंगे इस फोन की OTG टेस्ट। तो हम यहां पे कनेक्ट करेंगे इस फोन से इस पेन ड्राइव को जो 64GB की है, फिर कनेक्ट करेंगे इस हार्ड ड्राइव को जो 1.5 TB की है, फिर सैमसंग की SSD को जो 500GB की है, फिर माउस को, और उसके बाद हम करेंगे कनेक्ट कीबोर्ड को। हम देखेंगे माउस और कीबोर्ड क्या दोनों एक साथ वर्क करेंगे। इसके अलावा चारों डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हो अपने फोन से तो क्या ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे इस पेन ड्राइव को जो 64GB की है। यहाँ पे दो पोर्ट है, मतलब ये टाइप सी भी है और टाइप ए भी है। तो हम यहाँ पे पहले टाइप सी से कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई टाइप सी की पेन ड्राइव है तो आप डायरेक्टली उसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी अडाप्टर के सिवा। तो हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे इस फोन में, देखेंगे क्या ये शो करती है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे माई फाइल्स में तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे USB स्टोरेज 1 64GB की जो ये है ये शो कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप टाइप सी वाली जो पेन ड्राइव है उसे आसानी से यूज कर सकते हो। और इसे निकालने से पहले आपको हमेशा यहाँ पे अनमाउंट करना है, ठीक है, तब जाके आप इसे रिमूव कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर आपके पास टाइप ए वाली पेन ड्राइव है तो क्या आप उसे USB हब के जरिए अडाप्टर के जरिए यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो आपके फोन में। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे कनेक्ट और देखते हैं क्या ये शो होता है माई फाइल्स में। तो जैसे आप ओपन करोगे माई फाइल्स को तो आप यहाँ पे देख सकते हो USB स्टोरेज 1 वापस यहाँ पे शो कर रहा है 64GB की पेन ड्राइव। तो यहाँ पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टाइप सी या टाइप ए कोई भी पेन ड्राइव यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन से। दोस्तों अब हम करेंगे इस हार्ड ड्राइव को कनेक्ट जो है 1.5 TB की। तो देखते हैं कि हार्ड ड्राइव अगर आप कनेक्ट करते हो अपने फोन में शो करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसे कनेक्ट और यहाँ पे अगर आप जाओगे माई फाइल्स में, आपको थोड़ा वेट करना है। जब भी आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करोगे 5 सेकंड का वेट करिए, उसके बाद आप माई फाइल्स में जाइए और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे शो कर रहा है USB स्टोरेज 1, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये है 1.36 TB, मतलब ये हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे आप देखोगे, मान लो आपको अगर यहाँ पे कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है हार्ड ड्राइव से फोन में, तो मैं करूंगा कॉपी और यहाँ पे करूंगा इंटरनल स्टोरेज में कॉपी हियर। दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, स्पीड भी काफी अच्छी है। दोस्तों अब हम चेक करेंगे इस सैमसंग के SSD को जो है 500GB की। तो हमने इसे कर दिया है यहाँ पे कनेक्ट, देखते हैं क्या SSD यहाँ पे शो होती है फोन में। और इस SSD के साथ आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाता है, तो आपको इस हब को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मान लो इसका यूज करते हो तो आप जैसे जाओगे माई फाइल्स में तो आप यहाँ पे देख सकते हो USB स्टोरेज 1 यहाँ पे शो कर रहा है 466GB 500GB की SSD है, यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आपको कोई भी फाइल यहाँ पे ट्रांसफर मूव करना हुआ, इस फाइल को अगर मान लो आपको SSD में मूव करना हुआ, 1GB की फाइल है, तो हम करेंगे इसे कॉपी और हम यहाँ पे करेंगे इसे SSD में कॉपी हियर। दोस्तों तो SSD से ट्रांसफरिंग स्पीड में भी कोई इश्यू नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हो। तो हार्ड ड्राइव SSD पेन ड्राइव यहाँ पे सभी सपोर्ट करते हैं। तो अब हम इसे करेंगे अनमाउंट और अब हम यहाँ पे तीनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को और SSD को, देखते हैं तीनों डिवाइस एक साथ यहाँ पे वर्क करते कि नहीं करते हैं। दोस्तों जब भी आप तीनों को कनेक्ट करोगे एक साथ तो आपको वेट करना है थोड़ा, क्योंकि लोड होने में टाइम लगता है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे माई फाइल्स में तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है USB स्टोरेज 1, ये है SSD यहाँ पे शो कर रही है, ये है USB स्टोरेज 2, ये पेन ड्राइव 64GB की और लास्ट में USB स्टोरेज 3, ये है हार्ड ड्राइव जो है 1.36 TB की। तो यहाँ पे तीनों डिवाइस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आप तीनों को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट भी करते हो तो यहाँ पे वर्क करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी दिक्कत कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ पे चारों डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे माउस और कीबोर्ड को। तो ये है माउस, इसे हम करेंगे यहाँ पे कनेक्ट, ये है कीबोर्ड, इसे भी हम करेंगे यहाँ पे कनेक्ट, इस SSD को भी कनेक्ट करेंगे जो सैमसंग की है 500GB की, जो हमने पहले कनेक्ट करके देख ली थी, इसे हम करेंगे यहाँ पे कनेक्ट, और जो हार्ड ड्राइव है 1.5 TB इसे भी हम करेंगे यहाँ पे कनेक्ट। तो मैंने यहाँ पे चारों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर लिया है USB हब के जरिए। अब मैं इसे करूंगा फोन से कनेक्ट, देखते हैं क्या ये चारों डिवाइस एक साथ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माउस को। माउस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे माउस जो है वर्क कर रहा है, माउस में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बात करेंगे कीबोर्ड की तो कीबोर्ड भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो टाइपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो जैसे आप जाओगे माय फाइल्स में और यहां पे आप देख सकते हो यूएसबी स्टोरेज 1 शो कर रहा है जो 500 GB की एसएसडी है और इसके बाद है 1.36 TB की हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे एसएसडी, हार्ड ड्राइव, माउस, कीबोर्ड आप इस तरीके से चारों को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।